अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। पहले इसके दो सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूस। हमने ग्राफ बनाने और चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं। ग्राफ में कंटिन्यूटी अगर हम चेक करें तो हमने देखना होता है कि उसमें कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा। अगर ब्रेक होता है तो हम कहते हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ग्राफ बनाने का मेथड वही रहेगा जो हम ऑलरेडी अभी पहले दो क्वेश्चन में और एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फंक्शन दिया होता है। फंक्शन में हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमने एक्स और वाई एक्सेस, एक्स जो होता है वो जनरली इंडिपेंडेंट होता है, वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमने एक्स में जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मर्जी से अपनी वैल्यूज चूज़ करनी होती हैं और वही वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। फिर हम एक्स और वाई पर वो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं और हमारे पास कोई कर्व या एक शेप बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि उस इक्वेशन का वो ग्राफ है। अब अगर हमें कंटिन्यूस चेक करना है, फंक्शन कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, तो हमने देखना होगा जो ग्राफ बनता है हमारा उसमें कहीं ब्रेक्स तो नहीं आ रहे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स लेस देन 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू प्लस 3। यहाँ प्लस अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे टू पार्ट्स में आप चाहो तो एक फुल टेबल बना के, जैसे हमने एक एग्जांपल भी की थी कि आपने बस ख्याल रखना है कि प्लस 3 वाले पॉइंट से पहले आपने ये फंक्शन यूज़ कर लेना और प्लस 3 के बाद और उससे इक्वल वाले पॉइंट पर ये यूज़ कर लेना। लेकिन बेटर है हम इसके दो अलग अलग टेबल्स बना लें। ये है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू लेस देन 3 इफ एक्स इज लेस देन 3 और इफ एक्स इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। तो लेस देन 3 तक हम पॉइंट ले लेते हैं 0 1 2 और ग्रेटर पे हम पॉइंट ले लेते हैं 3 4 5। अगर हम 0 पॉइंट लेंगे ग्रेटर और इक्वल पे ले लेते हैं हम 3 4 और 5। 3 से लेस 0 था, 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 पुट करेंगे तो 3 टू 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ हमारे पास ग्राफ बनता है 0 पे माइनस 1 था, यानी हमारे पास x 0 है तो y माइनस 1 है, ये माइनस 1 वाला ये पॉइंट आ गया। एक्स वन है तो y 0 है, x 1 यानी अब y एक्स वाई जो है 0 है, x एक्सिस पर पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है x 2 है तो y 1 है, x 2 है तो y हमारे पास 1 आ जाता है, यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ये ग्राफ आगे स्टॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 3 आ रहा है, 3 पे हमारे पास 7 आ जाता है, 3 पे ये आ रहा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाला पॉइंट ये आ जाता है। नेक्स्ट है 3 4 पर 9, ये 4 है और ये 9 वाला पॉइंट आ जाएगा, 5 है तो 11 वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आप लिख लें बेशक 1 2 3 4 पर, ताकि आपको मार्क करना आसान हो जाए। ये फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको भी और इन लाइंस को भी। आप देखो तो यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, इस ब्रेक से शो हो जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट एक्स उस पॉइंट पर। अगर हमें पॉइंट 3 चेक करना है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है, वहाँ पर तो ब्रेक आ गया, उसका मतलब है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। हमें पॉइंट जो था 3 दिया होता तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2। अब ये 0/0 फॉर्म वाला फंक्शन है, अगर आप 2 पुट करें ना तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती है। इसके लिए हमें वही हमने इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में इसको कर चुके हैं। प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 वाली फॉर्म लिखेंगे, माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, वाई हमारे पास एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ग्राफ जो है इसका जो ग्राफ है, क्योंकि ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये और वाई एक्स माइनस 2 सेम है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ या इसका ग्राफ बनाओ दोनों एक ही बात है, तो हम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ही ले लेते हैं। अब 2 के अलावा हम बाकी सारे पॉइंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 छोड़ के 3 4 ले लिया। 0 अगर पुट करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है 0 पर 2, यानी x 0 है तो y एक्सिस पर 2 आ जाएगा, 1 और 3 x 1 है और y 3, ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हमें पता है आप लिख बेशक पॉइंट पुट कर, यहाँ पे आप टेबल में लिख लो
टू पर आपके पास क्या आंसर आएगा, टू पर आएगा आपके पास आंसर 4। वो आपने पॉइंट तो लेना लेकिन उसको इस तरह फिल नहीं करना, उसको खाली रखना उस पॉइंट को, यानी 3 जो 2 है उस पर आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो 4 आ रहा है, लेकिन वो जो सर्कल आपने बनाना है उसको एम्प्टी सर्कल बनाना है। नेक्स्ट है 3 पे 5 और 4 पे 6। यहाँ पे हमें बंद नजर आ रहा है द पॉइंट, देर इज नो पॉइंट ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 पर आपके पास ब्रेक आ जाता है। बेशक बाकी पूरी स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन एक पॉइंट की वजह से भी वो जो लाइन थी वो ब्रेक हो गई है। अब लाइन एक कंटिन्यूस लाइन नहीं रही, इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास 2 पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है, यानी जब एक्स नॉट इक्वल टू 3 है तो हमारे पास 3 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 3, और 3 वाले पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 2। यहाँ x नॉट इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास आंसर जो है वो 2 है, रिजल्ट जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है। अगर हम इसका टेबल बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, 3 पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 ही रहेगी। वैसे अगर आप इधर पुट कर दो तो वो 6 आ जाती है, लेकिन हमने 6 नहीं लिखना क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 पे है ये सारे पॉइंट, तो 3 वाले पॉइंट पर आपने 2 लिखना है। बाकी सारे पॉइंट पर हमने अपनी मर्जी से ले लिए, 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिए। 3 पर जो वैल्यू थी वो 2 थी, बाकी सारे पॉइंट्स से वैल्यू जो थी वो हम x प्लस 3 से फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर 1 है तो x प्लस 3 हो जाएगा 1 प्लस 3, 4। अगर आपके पास 2 है तो 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। अगर आपके पास 4 है तो आपके पास 4 प्लस 3, 7 आ जाएगा। ये हमने पॉइंट ले लिया, अब इसको हमने ग्राफ पे शो करना है। 1 जब था आपके पास तो 4 आंसर आ गया था, x आपके पास 1 है तो y जो है वो आपके पास 4, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपके पास x जो है 2 है तो y आपके पास 5 आ गया, ये पॉइंट आ गया आपके पास 5 वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x 3 है तो y 2 है, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x 4 है तो y 7 है, ये y 7 ये पॉइंट आ गया। बाकी ये पॉइंट्स जुड़ जाते हैं लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट था जो कहीं और लाई करता है, यानी अगर हम वैसे देखें तो ये पॉइंट यूँ आ रहा है, ये पॉइंट ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट लाइन नहीं कर रहा। यहाँ पर भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि एक जो पॉइंट है वो हमारे पास कहीं, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो कहीं और लाई करता है, वो कंटिन्यूस फंक्शन के दरमियान में नहीं है। तो उसका मतलब क्या, फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ना उससे आगे कोई हम कोई लाइन या स्ट्रेट लाइन या कंटिन्यूस लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, वो अलग से पॉइंट है। बाकी सारे लाइन पॉइंट जो आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, उस पॉइंट पर हमारे पास ब्रेक आता है वो पॉइंट कहीं और एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट सिमिलर इसी तरह का फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 और एक्स नॉट इक्वल टू 4, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए उनमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 16 को एक्स प्लस 4 माइनस 4 में डिवाइड कर दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता था। फिर माइनस 4 एक्स माइनस 4 कैंसिल आउट कर दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 बन गया। अब इस ये जो रिजल्ट था जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो इस रिजल्ट के इक्वल आ गया, यानी अब इसका ग्राफ हमारे पास जो क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन है उसके ग्राफ के इक्वल ही आ जाएगा। अब इसमें हमने पुट कर दिया, यानी हम 4 नहीं पुट कर सकते 4 के अलावा, अगर हम पुट भी करेंगे उसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो उसको एम्प्टी सर्कल शो करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 4 जब 0 रखेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 पे 4 है यानी एक्स एक्स 0 तो वाई पे 4 आ जाएगा, 1 पे आपके पास 5 आ गया, 2 पे आपके पास 6 आ गया, 3 पे 7 आ गया, 4 पे जो है वो 8 आएगा लेकिन वो एम्प्टी सर्कल के साथ आएगा, 6 पे जो है वो 5 पे जो आपके पास 9 आ गया, 6 पे नेक्स्ट बस इतना पॉइंट हमने लेके ड्रॉ कर लेना और इस सर्कल को हमने खाली रखना है। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो 4 एक्स इज इक्वल टू 4 है वहाँ पर ग्राफ नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, तो इसका मतलब वहाँ ब्रेक है। तो
ये ब्रेक की वजह से जो फंक्शन है ये जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस लाइन लगातार लाइन नहीं बन रही बल्कि उसमें ब्रेक आ रहा है। फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन का हमने ग्राफिकल सोल्यूशन बनाना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या होता है, इसमें हमने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को वाई के इक्वल रखना होता है, और उन दोनों से हमारे पास एक एक ग्राफ बनेगा, यानी लेफ्ट साइड से भी एक ग्राफ बनेगा और राइट साइड से भी एक ग्राफ बनेगा। उन ग्राफ से दोनों ग्राफ बनेंगे, वो जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट जो होता है वो हमारे पास सोल्यूशन कहलाता है। तो हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को लेके इनसे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास है वाई एक्स, एक इसको भी हम वाई के इक्वल रख लेंगे, इसको भी इक्वल रख लेंगे। वी हैव एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू टू फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अब वेयर पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आप वाई इज इक्वल टू एक्स भी रख सकते हो, यानी आपके पास जो है नंबर्स लेके वहाँ से भी आप ये वन पे वन टू पे टू तब भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पर माइनस पाई टू पाई ही शो करना होता है तो हम बेटर है कि हम ये वाला जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स इसको भी हम पाई वाली फॉर्म में ले लें। यानी हमने क्योंकि साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स यहाँ पे पाई शो करना है, तो हम ये वाले फंक्शन को भी पाई जीरो एक ले लिया, जीरो ले लिया, पाई बाय सिक्स ले लिया, पाई बाय थ्री ले लिया, जैसे इनमें से कोई पॉइंट्स ले लिया हमने। यहाँ पे जीरो पाई बाय सिक्स लिया हुआ है, जीरो पे जीरो आ जाएगा। पाई बाय सिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम रेडियन वाली फॉर्म में लें तो 0. पाई की वैल्यू पुट कर दो तो 6 पे डिवाइड कर दो, फिर आपके पास ये आंसर आ जाता है 0.52। ये हमारे पास एक बन गया, इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए। वैसे दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ दो पॉइंट्स ले लें, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो उससे हमारे हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, इसलिए उन्होंने दो पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अब हमने लेना माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से ये पाई तक, उसके दरमियान हमने ले लिया माइनस फाइव बाई फाइव, पाई बाई सिक्स, माइनस टू पाई बाई थ्री, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री। अगर आपको पाई वाली फॉर्म में डिफिकल्ट लगता है तो आप जीरो, थर्टी माइनस थर्टी, सिक्सटी माइनस सिक्सटी, नाइन्टी माइनस नाइन्टी, इस तरह 120 माइनस 120, 150 माइनस 150, 180 माइनस 180 भी ले सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास 0 और 1, ये पाई बस ये 30 आ जाता है, पाई बस 6। तो इस तरह से आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो, क्योंकि y पर जो आंसर्स आपके पास आएंगे वो 0.1, 0.2, 0.8, 0.5, तो हमने y पर जो पॉइंट लेने हैं वो 0 पॉइंट वाली फॉर्म में लेना है। तो इसलिए ये 30 को इन्होंने रेडियन में कन्वर्ट करके पाई बाई सिक्स 0.52 वाली फॉर्म में निकाला है, क्योंकि जो y एक्सिस होगी उस पर पॉइंट हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3 वाली फॉर्म में लेंगे। तो y एक्सिस पर जो हम पॉइंट लेंगे वो इस फॉर्म में लेंगे। अलॉन्ग x एक्सिस हमने क्या ले लिया, पाई बाय 18 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, ये पाई बाय 180 आ गए। तो हमारे पास वन, यहाँ पे आपने पाई बाय 18 की बजाय आप पाई बाय 30 मतलब 30 30, यानी पाई बाय 60 मतलब वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में लिया था। जो वन स्मॉल साइड है वो हमारे पास पाई बाय सिक्स के इक्वल आ जाएगी, 30 30 के डिफरेंस आपके पास एंगल्स आ जाएंगे, 30 फिर 60 फिर 90 फिर इस तरह से, तो ये पाई बाय सिक्स आ जाएगा और लॉन्ग साइड पे आपके पास 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाय सिक्स ले लिया, पाई सिक्स ये 30 डिग्रीज हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, और ये 150 हो गया, और ये 180। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ले लिया, वाई पे हमने लेने पॉइंट्स पॉजिटिव वन से नेगेटिव, क्योंकि आप देख लो साइन हो जाए, कॉस हो जाए, टेन हो जाए, वो आपके पास क्या होता है, टेन नहीं होता, साइन हो जाए, कॉस हो जाए, वो आपके पास प्लस वन और माइनस वन के दरमियान में रहता है, तो प्लस वन और माइनस वन तक आपने नंबर ले लिया। अब ये टू पाई है, तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, अगर माइनस पाई है तो उसका मतलब माइनस टू पाई बन जाएगा। अगर आप 30 पुट करो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 30 पुट करते हो तो ये साइन 60 का आंसर निकलेगा, यहाँ पे 32 60। अगर आप 60 पुट करते हो तो 120 का आंसर निकलेगा, साइन 120 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना। अगर आप फॉर एग्जांपल 90 पुट करते हो तो 180 का निकलेगा। तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इन ये जो एंगल आप पुट करोगे यही पुट करना है, एक्स की वैल्यूज पुट करके आपने वाई की वैल्यूज निकालनी है। एक्स की वैल्यू पुट करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आता है उसको साइन से मल्टीप्लाई करोगे, वो आपने
फिर आपने यहाँ पे वाई में पुट कर देना, ये टेबल बन जाएगा। टेबल बनने के बाद जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वैसे ही आपने ग्राफ बनाने, पाई पर आपके पास जीरो आ रहा है तो आपने पाई पे जीरो ले लेना, माइनस पाई पे पाई और माइनस पाई पे जीरो हो रहा है तो पाई मतलब 180 और माइनस 180, वाई जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा यहाँ पर और ये यहाँ पे 150, पाई 5/6 का मतलब है 150 और ये -5/6 का मतलब ये 150, तो 150 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -0.78 और यहाँ पे -0.78, तो ये आपके पास यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा और एक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह सारे पॉइंट्स जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरी जो लाइन है वो हमने यहाँ से ड्रॉ की थी, 0 पे 0, 5/6 पे 0.52, तो ये 0 पे, ये 0 पे 0 आ गया और 5/3 पे 0 पॉइंट समथिंग ड्रॉ करके जब इसको स्ट्रेट किया तो इसने एक पॉइंट पर आके कट कर दिया। जिस पॉइंट पर आके कट किया वो हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अब अगर ग्राफ पूरा प्रॉपर ग्राफ टेबल पे ड्रॉ होगा तो हमें पता लग जाएगा जिस पॉइंट पर कट किया होगा, यानी क्लियरली हमें नज़र आ रहा होगा कि वो कौन सा, ये 30 है और ये 60 है, 30 और 60 के दरमियान किस जगह ये लाइन कट कर रही है वो पता लग जाएगा, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। वी सी फ्रॉम द ग्राफ दैट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इस ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रही है ये लाइन, एक तो 0 पॉइंट पर कट कर रही है 0 डिग्री पर, एक वो 54 डिग्रीज पर कट कर रही है यहाँ पर, और एक ये लाइन जो है वो -54 डिग्रीज पे कट कर रही है। तो ये तीन पॉइंट्स है, 0 डिग्री अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें मतलब पाई बाय 180 बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमें रेडियन में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद 0.94 -0.94 ये रेडियन पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाता है। मीन्स आपने क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, आपने जैसे ये 54 दिया हुआ है, आपने 54 मल्टीप्लाई 5/180 करना है और पाई की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जो आंसर है ये पॉइंट्स में आ जाएगा। पाई की जो वैल्यू है 3.14 वो पुट करके 180 पे डिवाइड करनी है, 54 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 0.94 आ जाएगा। और इस तरह उसके -50 के लिए भी, 0 0 तो वैसे भी मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा तो वो 0 डिग्री और 0 रेडियन जो होता है वो सेम ही होता है। 54 को चेंज कर लेना और आपने -54 को चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x/2 इज इक्वल टू cos x, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से y की को रखना है, राइट हैंड साइड को अलग से y की को रखना है। अब यहाँ पर भी हमने 0 और 5/6 लाइन ड्रॉ कर ली और ये 0 आपके पास 5/6 पे 5/6 जो है वो रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये 0.26 आ गया, क्योंकि हम x एक्सिस पर तो डिग्रीज या एंगल्स ले रहे होंगे, y एक्सिस पे हम पॉइंट्स में फॉर्म में ले रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने इसका जो आंसर है ये 3.14 आप पाई जो है 3.14 सॉरी रेडियन में नहीं चेंज करना, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और 6 पे डिवाइड कर दें और आपके पास 0.26 आंसर आ जाएगा, 0.26। ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। सेकंड ग्राफ हमने cos x का बनाना है, x ले लिया y ले लिया, आपने या तो आप पाई वाली फॉर्म में वैल्यूज ले लो या एंगल वाली फॉर्म में ले लो, माइनस पाई 5/6 यानी 150, 2/3 यानी 120, 5/2 90, 5/3 60, 5/6 30, 0। अब यही सारी चीज़ जो है हमने नेगेटिव साइड पे भी रिवर्स कर देंगे। अब cos में आपने क्या करना है, ये आपके पास y बाई टू था तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम x 0 ले रहे हैं तो ये पाई बाय सिक्स आता था, 5/6 को हमने यहाँ पुट किया तो ये आपके पास 5/6 2 से डिवाइड होने के बाद जो बना उसमें हमने, यानी आपके पास 5/6 का जो आंसर आया उसको आपने डिवाइड होने के बाद फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ आपने पुट करना है, क्योंकि y इज इक्वल टू x नहीं है, y इज इक्वल टू x बाई टू है। नेक्स्ट फिर आपने cos x में ये वैल्यूज़ पुट करती है, पाई पुट करनी है, 5/5/6 पुट करनी है, नेगेटिव में पॉजिटिव में भी, ये सारी वैल्यूज जब आप कैलकुलेटर पर पुट करके कैलकुलेट करके ये आपके पास टेबल बन जाएगा। यहाँ पर भी पाई बाय 18 की बजाय आप पाई बाय 6 ले लो, पाई बाय 6 लेके आपके पास 30 डिग्रीज का स्केल बन जाएगा पाई बाय 6। पाई बाय 6 रेडियन
ये आपने इस तरह 5/6, 5/3, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, यही नेगेटिव साइड में भी रिपीट हो जाएगा। अब अलोंग साइड पे आपके पास वाई एक्सिस पे आपने 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह करते करते 1 तक ले लेना है, या आप डायरेक्ट 1 तक ले सकते हो। आपने थोड़ा ज़्यादा लेंथ पे रख लेना ताकि आपको पॉइंट्स प्लॉट करते हुए आसानी हो। अगर आप सिर्फ 1 रख रहे हो तो आपने डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि आपको, आपने बिल्कुल यहाँ पे 1 नहीं रखना, ताकि आपको प्लॉट करते हुए पॉइंट्स आसानी हो जाए, आपका ग्राफ जो है वो प्रॉपर शेप में बन जाए। अब ये जब सारे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, और वो है हमारे पास, अगर वो प्रॉपर ग्राफ पे, अगर वो ग्राफ ए पर हो तो वो 59 डिग्रीज बनेगा। 59 डिग्रीज को वही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू पुट की, पुट करने से हमारे पास 1.02 रेडियन आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10x। इक्वेशन हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 10x। वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ द टू फंक्शन, यानी हमारे पास एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2x, दूसरा दिया है y इज इक्वल टू 10x, और हमारे पास वही रेंज माइनस पाई टू पाई है। y इज इक्वल टू 2x का मतलब, एक तो हमने पहले 0 ले लिया, x ले लिया पाई बाई 6 अपनी मर्जी से, जो आपके पास y है वो 0 आ जाएगा। पाई बाई 6 को आपने पहले पॉइंट वाली फॉर्म में चेंज कर लेना, पाई की वैल्यू पुट करके, फिर उस वैल्यू को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई करना, y इज इक्वल टू 2x। यहाँ से आपके पास एक टेबल बन गया, क्योंकि ये तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x बाई 2, ये जो हमारे पास है इनसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो स्ट्रेट लाइन हम दो पॉइंट्स को लेके बना सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे सिर्फ दो दो पॉइंट लिए हैं, क्योंकि उन दो पॉइंट से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास 10x का ग्राफ बनेगा। 10x का ग्राफ बनाने के लिए माइनस पाई टू पाई ले लिया, वही आपके पास वैल्यूज़ वही जो आपके पास थी, माइनस 150, माइनस 120, माइनस, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, माइनस पाई, क्योंकि पाई बाई टू पे जो होता है वो फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो ये जो पाई बाई टू वाला जो टेबल बनता है वहाँ पे मैं माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो इस पर अलग ले लिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू प्लस जीरो, नेगेटिव इन्फिनिटी, जब आप ये पुट करोगे ना एक्स की जगह आप माइनस पाई बाई टू प्लस जीरो पुट करके टेन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला अगर ओपन करो तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। इस तरह पाई बाई टू माइनस जीरो पर, यानी उस पॉइंट पर जो है वो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड होता है, तो हमने माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो कर देना, माइनस पाई बाई टू प्लस जीरो कर देना, और इसी तरह पाई बाई टू माइनस जीरो और पाई बाई टू प्लस जीरो। यहाँ पे प्लस जीरो वाले के, यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव पाई बाई टू है वहाँ पर आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब प्लस जीरो के ऐड होने से माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा और माइनस जीरो ऐड होने, अगर दोनों साइन सेम है यहाँ पर तो आपके पास प्लस इन्फिनिटी आता है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी अब ये आपके पास पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी अब छोटे से बड़ा हो रहा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, और छोटे से बड़ा इस साइड पे जा रहा है तो यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव पहले आएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी बाद में आएगा। बाकी सारे पॉइंट्स पर आपके पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाएंगी वैल्यूज़, वो कैलकुलेट करने के बाद इन्फिनिटी का मतलब है हमने उसको आगे एक्सटेंड कर देना है, मतलब वो आगे विदाउट बाउंड्स इंक्रीज होते जा रहा है। अब एक्स एक्सिस में हमने लेना पाई बाय 6, तो यहाँ पे भी पाई बाय 6 ही लिया हुआ, तो हम पाई बाय 6 ही लेंगे। और वाई एक्सिस से वही 0.1 हमने फंक्शन ले लेना है। जो ग्राफ जो हमारे पास टैन वाला होता है, ये पॉइंट्स हम पुट करेंगे, 0 पे 0 आ रहा है, पाई बाई 6 से हमारे पास 0.58 आ रहा है, माइनस फाइव बाई 6 से माइनस 5.8, यानी प्लस पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, नेगेटिव पे ये वाला पॉइंट आ रहा है। पाई बाई 3 पे 1.75 आ रहा है, और माइनस फाइव बाई 3 पे वही माइनस 1.75 आ रहा है, ये याद होता है, ये हमने एक कर्व बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पाई बाई 2 माइनस 0, उसके बाद जो है पाई बाई 2 जो आता है उस पॉइंट से आगे तक हमारे पास वो यहाँ पे देखें प्लस इन्फिनिटी तक पाई बाई टू माइनस जीरो। अब इससे वाला आगे पॉइंट पर ये जो ग्राफ बनता है ये अनडेफिनेटली एक्सटेंड होता जाएगा। ये तो हमने इतना शो करना होता ना, ये मतलब ये ऊपर तक वाई जहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रहा है वहाँ तक आगे जा रहा है, और नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस जीरो पर नेगेटिव इन्फिनिटी के पास जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा,
दूसरी साइड पे भी हमारे पास विदाउट एक्सटेंड विदाउट बाउंड एक्सटेंड हो रहा, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पाई पर ज़ीरो और माइनस पाई पर भी ज़ीरो, 150 या 5.56 पे 0. माइनस 0.58 और यहाँ पर आपके पास 0.58 ये पॉइंट आ जाता है। थर्ड आपके पास क्या है, 2 पाई बाई थ्री यानी 120 पे ये पॉइंट आ रहा है और ये वाला ये पॉइंट आ रहा है। अब अगर आप देखो ना, ये माइनस पाई बाई टू माइनस ज़ीरो जो है वो इस वाले पार्ट की इन्फिनिटी को शो कर रहा है, और माइनस पाई बाई टू प्लस ज़ीरो जो है वो इस वाले पार्ट की इन्फिनिटी को शो कर रहा है, यानी दो इन्फिनिटी को यहाँ पर भी एक्सटेंड कर रहा है। ये वाली जो कर्व है वो भी ऊपर तक जा रही है और ये वाली कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब जहाँ ब्रेक हो रहा है ना पाई बाई थ्री तक हमारे पास इस तक वैल्यू आ रही है, 120 तक वैल्यू आती है और यहाँ पर आपके पास कहाँ तक वैल्यू आती है, 60 तक, 60 पर वैल्यू आ रही है 120 पर। इसके बीच में हमारे पास जो जो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, एक जो पार्ट पे ब्रेक हो रहा है 60 के बाद, वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और -120 मतलब -60 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और -120 के बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो -120 के बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा और -60 के बाद जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये इस तरह से आ जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 90 के बाद, और यहाँ पर 120 से पहले जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ चार पार्ट्स में बन जाएगा और इसमें चार इन्फिनिटीज आ रही हैं, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये नीचे वाला पार्ट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये तो हमारे पास आ गया, एक जो था वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी 0 और 1.04, ये जो वाई के जो पार्ट्स आ रहे थे उससे हमने क्या करना है, एक तो 0.0 आ रहा था ये पॉइंट आ जाएगा और दूसरा आ रहा था 5/6 1.04, तो 5/6 1.04 ये हमने ले लिया, इससे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन जो है वो हमारे पास कितने पॉइंट पे कट कर रही है, वो कट कर रही है ±70 पर और ±70 पर कट कर रही है, ±70 पर कट कर रही है। इसका मतलब ये आपके पास क्या था, 60 था ये वाला मार्क और ये 60 से थोड़ा आगे जाके कट कर रही है, तो इसका मतलब है ±70। अगर ग्राफ पेपर होगा तो ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा, ±70 पे यहाँ और +70 पे, ये देखिए ये 60 है, 60 से थोड़ा आगे जाके कट करिए 70 पर। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई को पाई वाली वैल्यू लेंगे, उसको आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास 1.22 रेडियन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 भी एंड हो जाती है। एक्सरसाइज 1.5 के बाद चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स भी उसको हम कहते हैं, वो चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।